इस केक को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 पैकेट ओरियो बिस्किट ले लिए हैं। ये 120 ग्राम वाला बिस्किट है। एक बिस्किट का प्राइस लगभग 30 रुपये होता है। अब इन बिस्किट को हम पैकेट से निकाल कर एक मिक्सी में डालेंगे। बड़ा बड़ा तोड़ कर इसे हमें डालना है। अब इन बिस्किट्स को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हमने यहाँ पर दूध ले लिया है, ज़रूरत के अनुसार इसमें हमें डालना है। थोड़ा थोड़ा दूध हम बिस्किट में डालेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया है। हमें कुछ इस तरीके का बैटर चाहिए होगा जो आसानी से गिरे, जैसे कि ये फ्लो में गिर रहा है, कुछ इस तरीके का ही हमें बैटर चाहिए होगा। अब इस बैटर को हम 2 जगह डिवाइड कर लेंगे, यानी आधा आधा कर लेंगे 2 बोल में। आज केक बनाने के लिए हम पैन का यूज़ करने वाले हैं, तो पैन को हम पहले थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब हमने जो आधा केक का मिक्स रखा है उसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पैन को हमने गरम कर लिया है, फ्लेम को लो रखा है। अब हमने जो बैटर रेडी किया है उसे हम पैन में डाल देंगे। और अब इस केक को हम 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। ये केक बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि काफ़ी पतली थिकनेस का है। तो अब मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए स्टिक एकदम क्लीन बाहर आ रही है, इसका मतलब ये केक पक गया है। फ्लेम को अभी हम बंद कर देंगे और केक को एक साइड में रख देंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। अब हम केक के लिए क्रीम को व्हिप करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बाउल लिए हैं। मैंने यहाँ पर कांच के बोल लिए हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पर स्टील का बोल भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे वाले बोल में हम आइस डाल रहे हैं, आप चाहें तो ठंडा पानी भी ले सकते हैं। अब इसमें हम 1/2 कप व्हिप क्रीम डाल रहे हैं। व्हिप क्रीम को अच्छे से थिक होने तक हमें व्हिप कर लेना है। इसे व्हिप करने में लगभग 4 से 5 मिनट का समय लग जाएगा। क्रीम को हम थिक पीक्स आने तक व्हिप करेंगे। ये देखिए इसमें अब थिक पीक आ गए हैं, यानी क्रीम अच्छे से व्हिप हो गई है। अगर हम बोल को उल्टा करके भी देखें तो क्रीम नहीं गिर रही है। अब इस क्रीम को हम 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और हमने जो केक बनाकर तैयार किया था वो ठंडा हो गया, तो उसे एक बोर्ड पे निकाल लेते हैं। तो दोनों लेयर अब हमने तैयार कर ली हैं, तो क्रीम को भी अब हम फ्रिज से बाहर निकाल लेंगे और जो हमारी फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर हम क्रीम को लगा देंगे। क्रीम लगाने के बाद अब हमने जो दूसरी लेयर केक की तैयार करी है उसे भी हम इस पर लगा देंगे। जो हमारा केक है इसकी साइड्स को कट करके हम इसे स्क्वायर शेप दे देंगे। और अब इस केक को हम स्लाइसेस में कट करेंगे। तो ये देखिए देखने में कितना यम्मी लग रहा है, एकदम मार्केट जैसा दिख रहा है ये केक। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, केवल 2 से 3 चीज़ों में ये बनकर तैयार हो जाता है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ट्राई ज़रूर करिएगा।